हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भूकंप के बारे में। ये भूकंप क्या होता है, भूकंप आने के कारण क्या क्या हैं, भूकंप से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स क्या है, भूकंप को मापा कैसे जाता है और भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो भूकंप के मामले में ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, यही सारी चीज़ें हम आज की क्लास में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूकंप को जानना। भूकंप होता क्या है? भूकंप को हम आम भाषा में कहें तो पृथ्वी की सतह का हिलना या पृथ्वी का कंपन करना ही कहलाता है भूकंप। ये मुख्य तौर से एक प्राकृतिक घटना है, हालांकि कृत्रिम कारणों से भी भूकंप आ सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर यह एक प्राकृतिक घटना ही है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है और ये तरंगे अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी के अंदर ही फैलती है, जिसके कारण ये कंपन होता है और भूकंप आता है। ये भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, अर्थक्वेक वेव्स कहा जाता है। ये भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है, पी, एस और एल। एक एक करके हम तीन तरंगों के बारे में जानते हैं। पहली है पी तरंगे, जिन्हें हम प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं इन तीनों तरंगों में से। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, लेकिन ठोस में पी तरंगों की गति सबसे ज्यादा होती है। पी तरंगों के बाद है एस तरंगे, जिन्हें कहा जाता है सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। ये तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद आती है। पहले पी तरंग आएगी, फिर एस तरंग आएगी। ये केवल ठोस पदार्थों में ही गमन कर सकती है, तरल और गैस में एस तरंगे नहीं जा सकती। एस तरंगों के बाद आएगी एल तरंगे, जिन्हें कहा जाता है धरातलीय तरंगे। ये केवल धरातल पर ही चलती है और ये तीनों तरंगों में सबसे खतरनाक होती है, सबसे विनाशकारी होती है। जो हम धरती की सतह पर भूकंप के बाद विनाश देखते हैं, उसका मुख्य कारण ये एल तरंगे ही होती है। यदि हम सिस्मोग्राफर पर देखें तो सबसे पहले पी तरंगे अंकित होगी, उसके बाद एस तरंगे और सबसे लास्ट में एल तरंगे अंकित होगी। ये सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ इन भूकंपीय तरंगों को मापने का एक उपकरण है। ये है सिस्मोग्राफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिस्मोग्राफ किस चीज से रिलेटेड है? भूकंप से रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि PSL ये क्या है? ये भूकंपीय तरंगे हैं। सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे कौन सी अंकित होती है, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? तो पी तरंगों की। और पी तरंगे तीनों माध्यम में, ठोस, तरल और द्रव्य, तीनों माध्यम में ही गमन कर सकती है। वही एस तरंगे जो है सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे जो है वो केवल और केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है। और सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी तरंग होती है? एल तरंगे। अब भूकंप को मापने के लिए मुख्य रूप से दो पैमाने का यूज किया जाता है, एक है रिक्टर पैमाना और एक है मरकरी पैमाना। ये जो रिक्टर पैमाना है वो परिमाण का मापन करता है कि भूकंप का परिमाण क्या है, भूकंप के दौरान कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, और ये 0 से 10 के बीच में मान देगा। वहीं जो दूसरा पैमाना है मरकरी पैमाना, ये तीव्रता बताता है, यानी कि भूकंप के कारण कितना नुकसान हुआ, और ये 1 से 12 के बीच में मान देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्टर पैमाना किस चीज को मापता है, तो ये मैग्नीट्यूड या परिमाण को मापता है। वही मरकरी पैमाना तीव्रता या इंटेंसिटी को मापता है। भूकंप के प्रकार हम देखें तो तीन प्रकार के मुख्य रूप से भूकंप होते हैं, एक विवर्तनिकी भूकंप, एक ज्वालामुखी भूकंप और एक मानव प्रेरित भूकंप। भूकंपों का इस प्रकार से वर्गीकरण उनके कारणों के कारण किया गया है कि उनके पीछे कौन से कारण होते हैं। जैसे कि पहला है विवर्तनिकी भूकंप। जैसा कि हमने महाद्वीप वाले चैप्टर में जाना था कि पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक प्लेटों में बटी हुई है, इनमें से कुछ प्लेटें बहुत बड़ी है और कुछ प्लेटें बहुत छोटी है। ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि ये मूव करती रहती है,
और इनके मूवमेंट के कारण ही जो भूकंप उत्पन्न होता है वो है विवर्तनिकी भूकंप। ये सबसे ज्यादा होने वाला भूकंप का प्रकार है। तो विवर्तनिकी भूकंप ये भूकंप का सबसे सामान्य रूप है, अक्सर होता रहता है। और इसका कारण क्या है? पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनकी गति के कारण होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण कौन सा भूकंप होता है? विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप किस कारण होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, और सबसे सामान्य रूप से होने वाला ये भूकंप है। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी विस्फोट से पहले या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में कुछ झटके महसूस हो जाए आसपास वाले क्षेत्रों में, जो कि लावा के बहने के कारण होते हैं, तो उसे कहा जाता है ज्वालामुखी भूकंप। ये इतना सामान्य नहीं है। तो ज्वालामुखी भूकंप किस कारण होता है? ज्वालामुखी के विस्फोट से पहले या बाद में होता है, और ये विवर्तनिकी भूकंप की तुलना में कम सामान्य है। तीसरा है मानव प्रेरित भूकंप। तो मानव गतिविधियों के कारण, कृत्रिम गतिविधियों के कारण जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं वो मानव प्रेरित भूकंप कहलाते हैं। जैसे कि यदि परमाणु विस्फोट किया जाए तो बहुत दूर क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसी प्रकार खनन के काम में जो विस्फोट किए जाते हैं उसके कारण आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस होते हैं, तो वो ही है मानव प्रेरित भूकंप। अब भूकंप के कारण कुछ और घटनाएं भी हो सकती है, जैसे कि यदि भूकंप समुद्र के नीचे हो तो सुनामी आ सकती है। भूकंप के कारण पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है, हिमस्खलन हो सकता है। भूकंप से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानने हैं, एक है फोकस या हाइपोसेंटर और दूसरा है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। फोकस क्या होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे जहां से तरंगे पैदा होती है, या यूं कहे जहां पर भूकंप का केंद्र है, वो कहलाता है फोकस। तो फोकस क्या होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है और जो भूकंप का केंद्र होता है। वहीं अधिकेंद्र या एपिसेंटर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर स्थित वो बिंदु जो कि इस फोकस के सबसे नजदीक होता है और यहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। तो अधिकेंद्र या एपिसेंटर क्या है? पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जो फोकस के सबसे करीब होता है और यहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। फोटो के माध्यम से समझते हैं कि क्या है फोकस और क्या है अधिकेंद्र। भाई भूकंप जब पैदा होगा तो इसकी तरंगे जहां से निकलेगी, इसकी ऊर्जा जहां से निकलेगी, वो होगा आपका फोकस या हाइपोसेंटर। और इस फोकस से सबसे नजदीक पृथ्वी की ऊपर स्थल पे जो बिंदु होगा वो कहलाएगा एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो फोकस जमीन के नीचे होगा और अधिकेंद्र जमीन के ऊपर होगा। भारत में यदि भूकंपीय जोन की बात की जाए तो चार जोन्स में बांटा गया है जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। इन चार जोन्स को बांटने का आधार क्या है? एक तो भूकंप से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी, दूसरा है अतीत में आए भूकंप, और तीसरा है विवर्तनिकी व्यवस्था। तो भारत को चार भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ये जो जोन 5 है ये भूकंप का सबसे खतरनाक क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है, और गुजरात में भी ये जोन 5 मिलता है। तो ये सारी बातें थी भूकंप से जुड़ी हुई। सारी ही चीजें एकदम टू द पॉइंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।